जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको गैस और कब्ज को दूर करने के लिए गैस हर चूर्ण बनाने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि आज 5 में से 3 आदमी गैस के कारण बेहद दुखी है। एक ऐसी बीमारी है जो होती तो गलत खान पान से या गलत जीवन शैली से, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा करती है। लेकिन एक बार अगर हो जाए तो पीछा नहीं छोड़ती, और बड़े से बड़ा आदमी भी इसके आगे बेबसा लगता है। तो आइए जान लेते हैं इससे बचने का रामबाण इलाज सफलतापूर्वक आजमाया हुआ कौन सा है। तो जरा गौर से देखें हमारा ये वीडियो। पहले तो जान लेते हैं गैस हर चूर्ण बनाने की विधि क्या है। आप सबसे पहले एक छोटी हरड़ 1 किलो लें, उसको साफ कर लें, इसको दही की छाछ में फुला लें। फूलने के लिए सुबह छाछ में डाल दीजिए, दूसरे दिन छाछ से निकालें, साफ करें और छाया में एक कपड़े के ऊपर डालकर सुखा लीजिए। अब सूख जाए तो ताजा छाछ में दोबारा डाल दीजिए। छाछ में डालकर सुखाने को मही की भावना देना कहते हैं। इस प्रकार इन हर्रों को मही की 3-4-6 तक भावनाएं दीजिए। भावना देने के बाद सूख जाने पर इनको पीस लीजिए और बारीक छलनी से छान लीजिए। इस प्रकार बनाए गए 1 किलो छोटी हरड़ के चूर्ण में 1 पाव अजवाइन पीस कर मिला लीजिए। फिर इस चूर्ण में काला नमक रुचि के अनुसार मिलाइए। बस उत्तम गैस हर चूर्ण तैयार हो चुका है। अब आपको बताते हैं इसको औषधि के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। भोजन के बाद सेहत के अनुसार ये चूर्ण गुनगुने पानी से लें। आप चाहें तो ठंडे पानी से भी इसे ले सकते हैं। इसके सेवन के 3 फायदे बताते हैं। 1, गैस की तकलीफ कभी नहीं होगी। 2, तकलीफ के दौरान अगर आप ये चूर्ण लेते हैं तो 5 से 6 मिनट में आपको आराम मिलता है। 3, पाचन शक्ति बढ़ेगी, दस्त साफ होंगे। गैस का दर्द दूर करने के लिए ये अछूक शर्तिया दवा भी मानी जाती है। तो जाना आपने कि गैस हर चूर्ण बनाने की विधि कैसी थी और ये आपको कैसे फायदा दे सकती है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।